हेलो दोस्तों, आज हम स्प्राउटेड बाजरा बना रहे हैं। मीठा बाजरा बोलते हैं इसे। इसके लिए हमें ओवरनाइट बाजरे को सोख करके रखना पड़ता है और फिर स्प्राउट करना है। वो 24 घंटे के अंदर होता है, 1 से 2 दिन लगते हैं इसमें। कपड़े में लपेट के बाजरे को छीटा लगा के और स्प्राउट किया जाता है। तो ये स्प्राउट किया हुआ बाजरा दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये मैंने बाजरा स्प्राउट कर इसको कुकर में उबाला है। 15 से 20 मिनट लगे हैं 3-4 सीटी आने तक लो फ्लेम पे। तो ये पक गया है। इसके लिए हमें चाहिए गुड़, मावा 1 कप, 1 कप बाजरा था और उसको 3.5 कप पानी में मैंने उबाल के और 1/2 चम्मच नमक डाला है इसमें। ये घर का बना हुआ मावा है, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मिले जुले ड्राई फ्रूट्स हैं, ये घी है। दोस्तों, गुड़ या चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। अगर सर्दी है तो गुड़ यूज कर सकते हैं, गर्मी में बनाना है तो चीनी डाल सकते हैं और इसकी मात्रा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं घी डाल रही हूँ, 3 चम्मच घी है, 3 टेबल स्पून। हम ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके निकाल रहे हैं इसमें। बादाम, काजू और अखरोट है और ये किशमिश है। इसे आप कढ़ी के साथ खा सकते हैं या चाहे तो स्वीट डिश की तरह परोस सकते हैं। अब ये गुड़ मेल्ट होने के लिए डाल रहे हैं। ये गुड़ धीमी आंच से लगातार चलाते हुए मेल्ट करें। जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है आप ये मावा ऐड करिए। आप किसी गेस्ट के आने से पहले ये प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर आप बना सकते हैं। बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाता है। इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। ये
ये ऐसी डिश है जो साल में कभी भी बनाई जा सकती है। बाजरे की खिचड़ी तो हम अक्सर गर्मियों में बनाते हैं, सर्दियों में बनाते हैं, लेकिन ये डिश गर्मियों में बरसात के मौसम में कभी भी बनाई जा सकती है। वैसे भी बाजरा बहुत हेल्दी होता है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये हेल्दी फूड है। ये डिश तैयार हो चुकी है, आइए प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ी और बाजरे के साथ साथ मैंने ये डिश बनाई है, स्वीट डिश। चाहे तो आप बिना कढ़ी के खा सकते हैं। थैंक यू।